अब तो हम सभी भलीभांति जानते हैं कि जंगली जानवर हम इंसानों के लिए कितने खतरनाक हालात पैदा कर सकते हैं। आमतौर पर सभी तरह के जंगली जानवर इंसान या उनसे जुड़ी अन्य चीजें देखकर उनसे दूरी बनाना ही बेहतर समझते हैं, लेकिन कई बार इन जानवरों को चढ़ी सनक के चलते या कहे तो कुछ मूर्ख लोगों की हरकतों के चलते ही इंसानों के बैंड बजाने पर उतर आते हैं। जंगली जानवरों और इंसानों के बीच घटे कुछ ऐसे ही हैरतअंगेज वाक्य दिखाने के लिए डीप इन्फो ने आपके लिए एक सीरीज जारी की और अब तक 7 पार्ट्स बनाए। आज उसी कड़ी में आपके प्यार और पार्ट 8 की डिमांड को देखते हुए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं वाइल्ड एनिमल एनकाउंटर्स वीडियो का पार्ट 8। फ्लोरिडा के रहने वाले गैब्रियल एरिंगटन नामक एक व्यक्ति और उनके दोस्त ब्री एंड्रेसी अक्टूबर 2019 के दौरान फ्लोरिडा के लोक्साहाची नदी में पैडल बोर्डिंग और फिशिंग करने का लुत्फ उठाने गए। दोनों अपने पैडल में कांच जैसे साफ नदी में घूम रहे थे, तभी उन्हें पानी में कुछ हलचल महसूस हुई, लेकिन शुरुआत में उन्होंने इसे इग्नोर किया और आगे बढ़ते रहे। लेकिन कुछ ही समय बाद गैब्रियल ने देखा कि नदी में उनकी पैडल के ठीक नीचे एक मगरमच्छ तैर रहा था। गनीमत रही कि नदी का पानी साफ था, जिसके चलते मगरमच्छ आक्रामक रूप में आने से पहले ही उन्हें दिखाई पड़ गया। मगरमच्छ को देख गैब्रियल और ब्री दोनों ने तुरंत प्रभाव से अपने पैडल्स को घुमाया और सुरक्षित बाहर निकल आए। कुछ इसी प्रकार का एक और वाकया ब्राजील में भी उस समय देखने को मिला, जब कुछ दोस्त बरसात के दौरान नदी किनारे घूमने गए, लेकिन घूमते समय उनका सामना भी एक मगरमच्छ से हो गया। मगर खुशकिस्मती से वे सभी मगरमच्छ से सुरक्षित दूरी पर थे, जिसके चलते मगरमच्छ ने उनका पीछा तो किया लेकिन वे उससे बचकर भाग निकले। ये खौफनाक वाकया जुलाई 2018 के दौरान थाईलैंड के उबोन राजधानी शहर में देखने को मिला। हुआ यूं कि राजधानी शहर के रहने वाले सक्ता लसादा नामक एक व्यक्ति अपने काम से घर पर लौटे, लेकिन जैसे ही अपने बेडरूम में घुसे उन्होंने पाया कि एक गोल्डन ट्री स्नेक उनकी पत्नी की लिंचरी को साबित निकले हुए बैठा है। वैसा खौफनाक नजारा देख उनकी हालत पतली होना शुरू हो गई, लेकिन लसादा ने संयम और हिम्मत से काम लेते हुए न सिर्फ अपनी जान की सलामती के बारे में सोचा बल्कि सांप की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। लसादा ने सबसे पहले सांप को पकड़कर उसके मुंह से कपड़ा बाहर निकाला और फिर रेस्क्यू सेंटर भिजवाया। लसादा ने बताया कि ये कपड़ा सांप की जान के लिए खतरा साबित हो सकता था, इसलिए उन्होंने उसके द्वारा निकला गया कपड़ा बाहर निकालने के बाद ही रेस्क्यू सेंटर भिजवाया। अपनी जान जोखिम में डालकर सांप के प्रति ऐसी नेक दिली दिखाने वाली लसादा के लिए एक लाइक तो बनता है। अगस्त 2021 के दौरान बहामास की रहने वाली मशहूर योगा और मेडिटेशन टीचर मिस्टिका माइका अपना योगा सेशन रिकॉर्ड करने के लिए बीच पर गई, जहां मोहतरमा ने अपने फॉलोवर्स के लिए योगा करते हुए वीडियो शूट करना शुरू किया। लेकिन माइका ने जैसे ही योगा शुरू किया वैसे ही उनके पीछे एक मॉनिटर लिजर्ड आ गया और मॉनिटर लिजर्ड ने उसके हाथ पर काट लिया, जिसके बाद माइका रोते रोते मॉनिटर लिजर्ड पर चिल्लाना शुरू कर देती हैं। हालांकि बहामास के इस बीच पर मॉनिटर लिजर्ड बहुतायत में ही पाए जाते हैं और सभी बीच गोवर्स को पहले ही वार्निंग दी जाती है, लेकिन माइका ने वहां जाकर लापरवाही दिखाई और चोट खा बैठी। हाल ही में बीते शनिवार यानी 25 सितंबर 2021 के दिन इंटरनेट पर एक क्लिप जमकर सुर्खियों में आई। तमिलनाडु के कोटागिरी से मेट्टुपलायम जाने वाले इस हाईवे पर रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में देखा गया कि सड़क पर चल रही तमिलनाडु रोडवेज बस के आगे एक हाथी आकर खड़ा हो गया और बस को रुका लेता है। इधर एक बस ड्राइवर ने सूझबूझ से काम लेते हुए बस को पीछे लेना शुरू किया, लेकिन बस पीछे जाते देख हाथी ने इस पर हमला कर दिया और इसकी विंडशील्ड तोड़ दी। लेकिन ड्राइवर की हिम्मत बरकरार थी, जनाब को अब भी आस थी कि उसके हाथों से इशारा करने पर हाथी यहाँ से चला जाएगा, मगर हाथी नहीं गया, जिसके चलते ड्राइवर ने अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बस को बंद कर दिया और सीट छोड़कर पीछे खड़ा हो गया। बंदरों की उछल कूद भरी शैतानियों से तो आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे ही कि जंगल के अन्य जानवरों के अलावा इंसानों को भी तंग करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते, जिसका एक नमूना आप इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस क्लिप में देख सकते हैं। यहाँ एक दुकान में बैठे बुजुर्ग व्यक्ति के काउंटर पर एक लंगूर आकर बैठता है और कुछ ही देर बैठा रहने के बाद न जाने क्यों बुजुर्ग व्यक्ति के कानों तले एक तमाचा जड़ देता है। कुछ इसी प्रकार अक्टूबर 2020 के दौरान आनंद महिंद्रा ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक फोटो शेयर करते हुए दिखाया। फोटो में दिखा गया कि एक बंदर किसी व्यक्ति के घर की डिश की छतरी पर चढ़कर बैठा है। बेचारा मालिक तो नीचे बैठा सोच रहा होगा कि भाई मौसम तो साफ है, ये साला टीवी का ही ढंग से नहीं चल रहा। नवंबर 2018 के दौरान थाईलैंड के चाचोइंग शाओ में रहने वाले आन इनपेट नामक एक 62 वर्षीय महिला को अपनी दुकान की टूटी हुई सीलिंग में एक सांप देखने को मिला। अब आमतौर पर इतने मोटे सांप देखते ही इंसान के शरीर में सिरहंसी पैदा होने लगती है, लेकिन इन मोहतरमा की सिहरन यहीं पर खत्म नहीं होने वाली थी। इनपैट को सांप के साथ साथ एक विशाल का छिपकली के पैर भी दिखाई दिए। एक इनपैट घबरा गई और तुरंत रेस्क्यूअर्स की एक टीम को बुलवाया। कुछ ही देर बाद जब रेस्क्यूअर्स मौके पर पहुंचे और सीलिंग तोड़ी तो उन्होंने पाया कि यहाँ इनपैट की दीवार में 10 फुट लंबे पाइथन और एक विशाल का मॉनिटर लिजर्ड के बीच लड़ाई चल रही थी। हालांकि जब उन्होंने इन दोनों को बाहर निकाला तो मॉनिटर लिजर्ड मर चुका था,
लेकिन इनपैड के लिए दृश्य कितना खौफनाक रहा होगा आप सोच ही सकते हैं। वैसे आपको अपनी दुकान, ऑफिस या घर में ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाए तो आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी, नीचे हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएँ। 5 सितंबर 2021 के दिन महाराष्ट्र के खारपुड़ी गांव में ये वाक्या देखने को मिला। हुआ कि गांव के पांडुरंग साधु जाधव नामक एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति अपने किसी काम से जंगल के पास मौजूद सड़क से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में एक हैना यानी कि लकड़बग्घे ने उन पर हमला बोल दिया। गनीमत रही कि पास में एक युवक मौजूद था जिसने तुरंत लाठी से मार मार कर हैना को भगाया और बुजुर्ग व्यक्ति की जान बचाई। साथ ही सूत्रों के मुताबिक इस हैना ने राहुल मधुरकर गड़े नामक एक 25 वर्षीय युवक को भी काटा था, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति पांडुरंग साधु जाधव और राहुल दोनों का ही सही समय पर इलाज हो गया और दोनों ही सुरक्षित हैं। 8 अगस्त 2021 के दौरान कैलिफोर्निया की कैल्स बेड में रहने वाली एक महिला को अपने घर में कपड़े से ढके हुए सोफा सेट में कुछ सरसराहट की आवाजें सुनाई पड़ी, जिसे सुनकर महिला ने कपड़ा हटाया तो पाया कि यहाँ कोई एक दो नहीं बल्कि रैटल स्नेक प्रजाति के सांपों का पूरा परिवार अपना बसेरा बनाए हुए बैठा था। अब ऐसे हालात में महिला की हालत क्या ही रही होगी आप सोच ही सकते हैं, लेकिन इन मोहतरमा ने धैर्य बरतते हुए कैल्स बैड के ही रहने वाले एक स्नेक एक्सपर्ट ब्रूस आइलैंड को कॉल किया और मदद के लिए बुलाया। कुछ ही समय बाद ब्रूस मौके पर पहुंचे और बड़ी ही सावधानी के साथ सांपों को एक बाल्टी में डालकर अपने साथ ले गए। खैर ये महिला तो खुशकिस्मत थी कि ब्रूस उससे कुछ ही दूरी पर रहते थे और समय रहते सांपों को पकड़कर ले गए, लेकिन डीप इन्फो आपसे रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने घर में नए काम आने वाली या फिर कम काम आने वाली चीज़ों को समय समय पर चेक करते रहें और इन्हें साफ भी रखें। क्या पता आपके घर में भी ऐसा ही कोई सांपों का परिवार अपना बसेरा बनाए हुए बैठा हो। कुछ इसी प्रकार चीन की रहने वाली एक महिला को भी अपनी बेड से आवाज़ें सुनाई दी, जिसके बाद जांच करने पर उन्होंने पाया कि बेड में एक विशालकाय सांप अपना घर बनाए बैठा है। गनीमत रही कि महिला ने तुरंत रेस्क्यूअर्स को बुलाया और वे एकदम सही समय पर पहुंचकर सांप को पकड़कर ले गए। फरवरी 2021 के दौरान अमेरिका के मिशिगन में कुछ पुलिस ऑफिसर्स हाईवे पर अपनी कार में जा रहे थे कि तभी उनके आगे सड़क पर कुछ हिरणों का झुंड आ जाता है। यहाँ पुलिस ऑफिसर्स खुशकिस्मत थे कि हिरण उनसे थोड़े दूर थे, इसके चलते उन्हें गाड़ी रोकने का समय मिल गया, लेकिन आगे चल रहे कार ड्राइवर को इतना समय नहीं मिला कि वो कार को हिरणों से पीछे या आगे रोक सके। ऐसे में कुछ हिरण तो बचकर निकल गए, लेकिन एक हिरण भागते हुए छलांग लगाकर सीधा उसकी कार के ऊपर गिरा। गनीमत रही कि हिरण और कार ड्राइवर दोनों ही सुरक्षित बच निकले, बस कार को कुछ डेंट्स आए। वाकया उस समय देखने को मिला जब अमेरिका के ओरेगोन में रहने वाले एक डर्ट बाइक राइडर ओरेगोन के जंगलों में बाइक राइडिंग के लिए गया, लेकिन इस दौरान रास्ते में ही एक कूगर या कहीं तो पहाड़ी शेर ने उसकी बाइक पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बाइक राइडर ने सूझबूझ से काम लेते हुए अपने पैर उठाए और बाइक के तेज स्पीड करके वहां से निकल लिया। यहां बाइकर की हल्की सी लापरवाही भी उसे कितनी भारी पड़ सकती थी आप सोच ही सकते हैं। इसी प्रकार भारत में किसी जगह रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे सड़क किनारे ताक लगाए बैठा एक बाघ बाइक दिखते ही उस पर कूच कर देता है, लेकिन यहाँ बाइक सवार लड़की खुशकिस्मत थी कि बाघ उनसे कुछ इंच दूरी पर रह गया। अगला वाक्य शुरू करने से पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि अगर आप बाइक या स्कूटी पर जा रहे हों और अचानक इसमें से एक सांप निकल आए, खैर आशा करते हैं आपके साथ ऐसा कभी ना हो, लेकिन भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदानी अपने ट्विटर हैंडल पर एक ऐसी क्लिप 7 सितंबर 2021 के दिन अपलोड की, जिसमें देखा गया कि खतरनाक किंग कोबरा किसी व्यक्ति की स्कूटी के फ्रंट पैनल में घुसकर बैठा था। गनीमत रही कि स्कूटी के मालिक ने आवाज़ सुनकर उसे देख लिया और जल्दी ही एक स्नेक एक्सपर्ट को संपर्क किया, जिसने अनोखे तरीके से सांप को पकड़ा। वीडियो अभी वायरल हो रही है, लेकिन जानकारी के लिए बता दें कि ये कोई हालिया घटना नहीं थी। ये वीडियो मार्च 2020 के दौरान पहले भी एक बार जमकर वायरल हुई थी और जानकारी के अनुसार तेलंगाना में रिकॉर्ड हुई थी। वैसे आपको नहीं लगता कि क्या उस बोतल में वेंटिलेशन के लिए छेद होने चाहिए थे? कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। 2019 के दौरान भारत के किसी अज्ञात गांव में रिकॉर्ड हुई एक क्लिप भी जमकर सुर्खियों में आई, जिसमें देखा गया कि एक बैल बेकाबू हो जाता है और स्थानीय लोगों के पीछे भागना शुरू कर देता है, लेकिन यहां एक नज़ारा ऐसा देखने को मिला कि बैल के आगे भाग रहे लोगों में से दो महानुभावों ने उससे बचने के लिए सिर्फ अपना सर पाइप के अंदर डाला और तशरीफ बाहर छोड़ दी। ऐसे में बैल ने आकर दोनों पर ही वार किया और उनकी तशरीफ लाल कर दी, जिसके बाद दोनों महानुभाव को समझ में आया कि पूरा सुरक्षित तभी हो पाएंगे जब मुंह के साथ साथ तशरीफ को भी पाइप के अंदर रखेंगे। फरवरी 2019 के दौरान स्वीडन मूल की मशहूर क्रूज स्टीमर मेलिना गोरानसन अपने दोस्तों के साथ किसी फार्म में घूमने गई, जहां उनकी भेंट हुई दो रैम से।
अब वे तो रैम्स के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रैम्स को ये पसंद नहीं आ रहा था। ऐसे में रैम ने पहले तो मेलेना पर हमला करने की कोशिश की और कुछ ही देर बाद उसके दोस्त पर भी हमला बोल दिया, मगर खुशामदी से मेलेना और उनके दोस्त दोनों में से कोई भी इन रैम्स की चपेट में नहीं आया और सुरक्षित बच निकले। अब जरा इस वायरल क्लिप पर भी नजर डाल लीजिए, जिसमें देखा गया कि एक पेड़ पर चढ़ रहे व्यक्ति का पीछा करते हुए एक भालू पेड़ पर ही चढ़ गया। क्लिप कहाँ रिकॉर्ड हुई और इसके बाद इस शख्स के साथ क्या हुआ, इस बात से जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी अभी तक हमारे सामने नहीं आई। ये नज़ारा देखकर तो एक बार के लिए हर कोई सहम गया। आशा करते हैं आपको वीडियो का पार्ट 8 पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 9 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।